वहीं विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जहां विपक्ष ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में खनन के मुद्दे को लेकर हंगामा किया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खनन मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर मुख्य द्वार पर धरना दिया। माफ कीजिएगा, रावत ने कहा कि प्रदेश में खनन का व्यापार पुरजोर तरीके से चल रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धामी सरकार खनन प्रेमी है, इसके अब प्रमाण भी मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी का आदेश जिस तरीके से वायरल हुआ है वो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि भी करता है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर ना मारे। धरने पर बैठने वाले हरीश रावत पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में शराब और खनन को लेकर किस तरीके की बातें हुई ये जग जाहिर है। ऐसे में हरीश रावत को इस तरीके से विरोध नहीं करना चाहिए। बच्चे को बुलाया, उसने डिग्गी में जब शराब की बोतल रखी, फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे कहा भाई ये हरदा ब्रांड कोई नई ब्रांड है, कैसा भी तो डेनिस है। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि खनन को लेकर आप दूसरे पे नहीं आरोप लगाना चाहिए। कितना मैं सोचता हूं, मुझे तो बड़ा, मैं तो देखिए उस विषय को छूता ही नहीं जिस विषय पर मैं खुद कमजोर होता हूं। मेरा खुद का घर शीशे का होता है, उस विषय पे मैं पत्थर ही नहीं मारता दूसरे मामले में। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये दो विषय पर मेरे बड़े भाई को तो कम से कम अटैक नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों ने, किसी का तो ऑर्डर रहा होगा नंबर वन नंबर टू, नहीं तो क्यों एक पुलिस का इंस्पेक्टर मुझको रोकेगा। और जिस तरीके से बलपूर्वक मुझको रोकने की कोशिश हुई है, उसने मेरे अंदर के हरीश रावत को भी और उत्तराखंडी को भी जगा दिया है। अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और हम खनन के खिलाफ इसको युद्ध के स्तर पर लड़ने का काम करेंगे। बाकी कार्यक्रम क्या देते हैं ये तो अध्यक्ष जी जाने, प्रीतम सिंह जी जाने, लेकिन मैंने मेरे अंदर जो इससे एक चोट पहुंची है, उस चोट को मैं सारे उत्तराखंड के सामने आप सबके माध्यम से कह रहा हूं कि ये संघर्ष बढ़ना चाहिए। पुलों के नीचे खनन हो रहा है भैया, पुलों के नीचे हजारों करोड़ के हमारे